हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम दोस्तों। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो फ्लैट लॉक मशीन, जैक की फ्लैट लॉक मशीन है, W4D मॉडल। इसके अंदर फोल्डर जो लगाया जाता है पट्टी लगाने के लिए, ख़ास तौर पे लोअर पे सिंगल पट्टी मारने के लिए, तो इसी फोल्डर पे फ्रेंड्स हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक ऊपर से पट्टी ऐसे यहाँ से गुजर के जा रही है और इसी में फोल्डर लगा हुआ है। लगभग 1 इंच के आसपास की ये पट्टी है, ये गुजरते हुए जा रही है और नीचे आप देखेंगे फोल्डर में एक गोल होकर घूम जा रही है। और ये देखिए, ये पट्टी इसी पे गोल बन करके और इसी कपड़े पे फिक्स हो जाएगी आपको। ये इस फोल्डर का काम है फ्रेंड्स। इसके लिए आप देख रहे होंगे ये मत्थे पे जो है एक फोल्डर का हिस्सा जो इसका लगा हुआ है, जिस पे ये फोल्डर टिका हुआ है। आप जब चाहें तो इसको खोल के बाहर निकाल सकते हैं और जब चाहें इसको लगा सकते हैं। तो ये एक पार्ट ये हुआ फ्रेंड, ये पूरा फोल्डर। और ये फोल्डर का आप देख रहे हैं मुंह एकदम इसी चापा के ठीक ऊपर लगा हुआ है और इसका ऊपर आप देखेंगे रोला लगा हुआ है जिसमें ये पट्टी लगाए हुए हैं और इसी में ये रोला फिट है और यहाँ से ये रोला जो है इस लोहे के माध्यम से पटरे पे कसा हुआ है। तो यही इसका होता है फ्रेंड फोल्डर, पूरा कंप्लीट आपको फोल्डर मिल जाता है तो ये ऐसा बना बनाया मिलेगा। नहीं मिलता है तो लोग अपने हिसाब से थोड़ा जुगाड़ लगा के उसको रेडी कर लेते हैं। बस ये ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आपका पट्टी जो है ये इसी में घूमता रहे, आपका यहाँ से ये घूमते हुए धीरे धीरे ये नीचे निकलता रहे। थोड़ा सा मट साहब मशीन चला दीजिए ग्राउंड। देखिए ये मशीन आपकी चल रही है। अब लोअर में आप जब साइड में पट्टी देखते हैं तो बस यही लोअर में ये पट्टी इसी तरह लगा देते हैं अपने फ्लैट लॉक मशीन में। ऐसे तो 3 एक साथ पट्टी लगाने के लिए इसके लिए कंसाई मशीन आती है जो 6 निडिल 8 निडिल की मशीन होगी, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप फ्लैट लॉक मशीन में भी ये फोल्डर लगा करके पट्टी मार सकते हैं। बाकी ये मशीन अपनी टी शर्ट सिलने की होती है तो इस सब पे वीडियो मैं बना ही चुका हूँ इससे पहले, उसमें आप देख सकते हैं। ये पूरी मशीन आपकी इंस्टॉल मशीन है, आप देख रहे हैं 5 धागे से ये चलती है पूरी मशीन। 3 धागा इधर है, 2 धागा इधर है, इसमें 2 धागा आपका लूपर में जाता है और 3 धागा जो है निडिल में जाता है। बाकी उसमें अलग अलग धागे आप निकालते जाएंगे तो स्टिच पैटर्न में थोड़े थोड़े बदलाव हो जाएंगे। वो सब के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं उसका भी। ये आपका रेगुलेटर नीचे कसा हुआ है, ये पैडल है, इसका चापा उठाने वाला है, इसको उठाएंगे तो आपका चापा उठेगा यहाँ से। थोड़ा सा मार्ट साहब इसका पैडल पे पैर रख दिए तो देखिए ये आपका चापा उठ जाता है। ये आपका पूरा मशीन इंस्टॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आए। शुक्रिया।